तो हम बात कर रहे हैं MS Access की functions के बारे में। तो हमने इंटरनेट से वो पेज निकाला है जहाँ पे सारे functions के लिस्ट दिए हुए हैं। हालांकि ये लिस्ट आपको एक्सेस में भी मिल जाता है, लेकिन टेक्नोनेट वेबसाइट में कैटेगरी के हिसाब से बांटा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अगर वेबसाइट ना मिले तो फंक्शन की लिस्ट जो है आप एक्सेस में भी ले सकते हैं। अब क्या एक्सेस के अंदर जो फॉर्मूले है ना सर, वो वीवीए के कुछ वीवीए के और कुछ आपके एक्सेल के फंक्शन को मिक्स किया है इसमें, और कुछ नए फंक्शन भी डाला है जो कि एक्सेस के फंक्शन। तो उन सारे फंक्शन को हम आपके साथ डिस्कस करें। ओके सर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेस के फंक्शन को आप लाएंगे कैसे। अगर आप एक्सेस में लाना है, हमने तो यहाँ टेक ऑन द नाइन वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो यहाँ सबने ले लिया, बट आपको एक्सेस में कैसे लाना है। तो एक्सेस के अंदर में यहाँ टेलबी मोड होता है, इस पे आप सर्च करें फंक्शन। फंक्शन सर्च करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको नाइन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होंगे आगे फंक्शन या एक्सेस फंक्शन बाई कैटेगरी। दिख गया सर? दिख गया सर। क्लिक करते ही साइड में आपको एक्सेस के फंक्शन का लिस्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ आ जाएगा। बराबर आ गया, आ गया सर। ऑब्जेक्ट फंक्शन, इसके बाद यहाँ पे एरेज, कन्वर्सेशन, डेटाबेस, दिख रहा सर? डोमेन, एरर, फाइल इनपुट आउटपुट। अब ये सारे फंक्शन को हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारे फंक्शन। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ActiveX फंक्शन है, इसके बाद में अब इसमें क्या है कि बहुत सारे फंक्शन है जो कि VBA से रिलेट करते हैं, कुछ नॉर्मल रिलेट करते हैं। तो हम यहाँ टेक ऑन द नेट वेबसाइट की साइट को ही फॉलो करेंगे। ओके ओके सर, एक सेकंड लीजिए। तो इस लिस्ट को फिलहाल फॉलो नहीं करते। तो सब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको वर्बली समझ में आ जाएंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको करके दिखाने होंगे। जैसे कि आपके पास एएससी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, और सीएचआर का फॉर्मूला। तो आपको याद होगा एक्सेल में फॉर्मूला होता है कैर एंड कोड का। जैसे हम ए लिखा और हमने यहाँ पे कोड का फॉर्मूला लगाया, तो इसका कोड आता है, इसका कोड क्या है, और उसी कोड से वो आपको कैर बनाना है। तो इसके लिए हम सी एच आर कैर फॉर्मूला लेते हैं। तो कोड एंड कैर इसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है कि एसी फॉर्मूला जो है आपका कोड में कन्वर्ट कर देता है, सी एच आर उसको करेक्ट में वापस लाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्केट विथ एन पर्सन, अगर आपको वीवीए में दो फंक्शन को आपस में ज्वाइन करने हो तो इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नेम और स्थिति को इकट्ठा करना है एक कॉलम, तो टेबल पे, फॉर्म पे, क्यूरी पे कहीं भी करना है, तो आप डिजाइन में जाइए और यहाँ पे मैंने एक नया ले दिया यहाँ पे आईडी, एक आईडी के नाम से एनआईडी के नाम से हमने यहाँ पे कार्ड बनाया, यहाँ पे कैलकुलेटेड दे दिया, कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड में हमने यहाँ पे सिंपल सा बोला कि नेम और एन परसेंट, इसके बाद हमने ये लिया वापस एन परसेंट हमने सिटी के। ऐसे दो सेल को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके ऐड करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एन आई डी नाम का इसमें दोनों ऐड हो चुके हैं। बराबर, ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है इसमें डाउट? नहीं नहीं सर, हो गया। तो कॉन्केट में बात है, अब यहाँ आता है सी एच आर करेंट डायरेक्ट। अब आपको प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो, इसका यूज ज्यादा वीवीए प्रोग्रामिंग में रहते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि इस फाइल का पाथ क्या है, इस फाइल का पाथ क्या है, मुझे ये जस्ट पता करना है कि भाई फाइल का पाथ क्या है, तो उसके लिए सी एच आर का हम यूज करते हैं फॉर्मूला सी एच आर का। यहाँ पे हमने पाथ, यहाँ पे सी यू आर नहीं, यहाँ कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम फंक्शन बिल फंक्शन। और अब जैसे सारे फॉर्मूले जो है इसमें यूज नहीं होते, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है सर,
कि फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है, मैंने करंट सी एच आर डी आई आर दिख रहा है ना, आपका वीवीए का फंक्शन, या फिर इसको हम क्वेरी पे इस्तेमाल करें। अच्छा, क्वेरी में इस्तेमाल कर। जी हाँ, अब क्वेरी में कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं नो करता हूँ, मैं इसी पे क्रिएट क्वेरी करता हूँ, यहाँ पे डिजाइन क्वेरी, और हमने यहाँ से टेबल उठा कर रख दिया, प्रॉपर्टी में यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे ले लिया, और यहाँ हम देते हैं पाथ सेमी कॉलम सी यू, ठीक है, और इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ क्वेरी वन में आना चाहिए था, जब यू कैन के लाइट क्यूरी में नेक्स्ट फॉर एग्जांपल डालना है ब्रैकेट ओपन सी यू आर डी आई आर, इसको इस क्यूरी नहीं सेट कर रहा, क्यूरी को सेट करना चाहिए था। ऊपर गए सर, सी यू आर सी यू आर नहीं लग रहा, कैंसी है करंट यूजर, करंट यूजर कहीं VBA का फॉर्मूला है, तो सीएचआर फॉर्मूला आपको क्यूरी पे भी यूज नहीं होता है, राइट? अब बात करते हैं फॉर्म, क्या फॉर्म पे यूज होता है? तो डिजाइन फॉर्म में हम जाते हैं, और डिजाइन फॉर्म में जाने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं पाथ, ठीक है? अब पाथ में मैंने यहाँ पे डेटा में कंट्रोल सोर्स में यहाँ आते हैं इक्वल सी यू आर डी आई आर करेंट बैक, फंक्शन तो इसने सेट कर लिया, नहीं यहाँ भी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, नेम कह रहा है, मतलब कि इसने फॉर्मूले को सेट ही नहीं किया, समझे? हाँ समझे। तो इसका अगला 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 क्या है, हम इसके इवेंट में आते हैं ऑन क्लिक, और फिर इसमें हम यहाँ पे कोड बिल्डर पे जाते हैं, और यहाँ हम देते हैं सिंपल सा टेक्स बॉक्स को, टेक्स फोर डॉट वैल्यू, ठीक है? अब ये फॉर्म, यहाँ पे फॉर्मूला वर्क करेगा, ये वीबीए का फंक्शन, आ गया बात? हाँ बराबर है, वो वीबी में थ्रू आएगा। जी हाँ, वीबीए का फंक्शन, ठीक है? ठीक है। बट ये टेक ऑन द मेन बोल रहा है कि इसको क्यूरी में भी किया जा सकता है, बट ये एसक्यूएल क्यूरी में किया जा सकता है, नॉर्मल क्वेरी में एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल क्वेरी में लिखा, और नीचे वीबी में दिखाया हुआ है। जी, फॉर्मेट का फॉर्मूला तो मैंने बताया आपको, या
पता है आपको फॉर्मेट का फॉर्मूला? फॉर्मेट ना ना फॉर्मेट फॉर्मूला जैसे कि आपको अगर आपका जो डेटा है जैसे मान लीजिए डेटा है देता है इसमें डेट नहीं है राइट, तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ डेट का डिजाइन और यहाँ हमने एक डेट का कॉलम बनाया डेट और यहाँ पे सी डेट और कैलकुलेटेड में आके मैं कैलकुलेटेड में आता हूँ और यहाँ पे हम इक्वल डेट टाइम फंक्शन में एक हमारे पास इसमें डेट का फॉर्मूला आता है ये है इसमें डेट है डेट सीरियल को ही ठीक है ये हमारा 2021 हो गया मंथ में मान लीजिए 10 हो गया ईयर में हमारा 1 हो गया राइट ओके सर तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा डेट आ गया पर डेट हमारा ये फॉर्मेट में नहीं है मतलब डेट अलग फॉर्मेट में तो मेरे हिसाब से मेरे फॉर्मेट में तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन से फॉर्मूला लगाया था इसको हम फॉर्मेट के अंदर में जूम में आते हैं इसको हम फॉर्मेट फॉर्मूला के अंदर में डाल देते हैं फॉर नेट और इसमें हम डाल देते हैं डेट का फॉर्मेट ए डी डी बड़े कमाल मत कीजिएगा डी डी स्लैश वाई 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 एम एन सॉरी एम एन एंड वाई वाई राइट राइट एंड स्लैश बोल रहा है ये फॉर्मूला कैलकुलेशन में यूज नहीं होता ये बोल रहा है इसमें तो मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे डेट फॉर्मेट इंपोर्टेंट सी डेट बड़ी बात है मैं जूम कर देता हूं इस बार में स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दिया सी डेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा में डी डी स्लैश एम एन एम स्लैश वाई वाई ठीक है सुपर सेव करते हैं वो अपना वो सर डिलीट करना पड़ेगा ये वाला डिलीट करना पड़ेगा आ गया सर हाँ तो देखिए फंक्शन क्या है कुछ फंक्शन हमारा सम में यूज होता है कुछ फंक्शन टेबल में यूज होता है कुछ टेबल में जो यूज नहीं होता है वो क्यूरी में यूज होता है जो क्यूरी में यूज नहीं होता है वो आपका वीजी में यूज होता है ठीक है इसको हमें अपने हिसाब से याद करके रखना तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो ये अच्छी तरह होगा अप्लाई करके धोखे में नहीं होगा आपके दूसरे काम में ठीक है बराबर हाँ ठीक है सर ओके आप अपने हिसाब से आप इसके यूज कीजिए फिर आगे बात करें हाँ ओके सर